बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स टीचर्स पेरेंट्स तमाम देखने वाले व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर्स मुराद रास उनकी तरफ से एक ताज़ा तरीन जो बयान है वो मैंने आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स को पहले बताया था, अब एक नया जो अनाउंसमेंट है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए आई है। एजुकेशन मिनिस्टर्स की तरफ से एक लेटेस्ट जो ट्वीट है, लेटेस्ट अनाउंसमेंट है वो की गई है। मैं तमाम स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर अपडेट करता हूँ और आपकी ओपिनियन सबसे पहले लूँगा, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दोबारा से क्लोज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और छुट्टियों के अंदर जो है वो इजाफा 2022 में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। और एग्जाम 2022 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनका लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करना है। और अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं बताता हूं कि एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब जो है उन्होंने कोरोना टेस्ट जो है वो करवाया है और कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। आप तमाम तलबा तलबात जो है वो देख रहे हैं, ट्वीट देख रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब ने खुद ट्वीट किया है और जिन्होंने जो मीटिंग होनी थी 30 जनवरी को उसकी सदारत भी करनी थी, लेकिन जो है वो ये फैसला, ये साथ ही साथ कोरोना टेस्ट का पॉजिटिव आ जाना और फिर नेक्स्ट वीक जो मीटिंग है वो होना, और फिर कोरोना केसेस के जो मौजूदा ग्राफ है वो तकरीबन 20 से 21% तक कराची में हो चुका है और रावलपिंडी के अंदर जो शरह है ये 7% से क्रॉस कर चुकी है, लाहौर के अंदर 6% से ऊपर हो चुकी है, ओवरऑल जो शरह है वो तकरीबन जो है वो 6% होने वाली है। आप तमाम तलबा तलबा बात के लिए ये एनसीओसी की तरफ से ताजा तरीन आदाद शुमार में शेयर कर रहा हूं। आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इंशाल्लाह साथ साथ जो मीटिंग है वो नेक्स्ट वीक तकरीबन जो है वो 20 जनवरी को रखी गई है, उस मीटिंग के अंदर जो है वो फैसले किए जाएंगे आप तमाम स्टूडेंट्स के दोबारा से तालीमी इदारे के अंदर कोरोना केसेस की क्या मौजूदा सिचुएशन है। जो एक वीक तालीमी इदारे खुले हैं उस उनकी वजह से कोई इफेक्ट तो नहीं स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ा, ये सारी बातें जो है वो अभी डिस्कस हो रही है एजुकेशन मिनिस्टर्स के दरमियान, एनसीओसी के दरमियान। इंशाल्लाह साथ साथ जो जो अपडेट्स आ रही है मैं आप तमाम स्टूडेंट्स से शेयर कर रहा हूँ, अपनी ओपिनियन का इजहार लाजमी करें। इंशाल्लाह आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स को मैं साथ साथ गुड अपडेट्स जो है और बैड अपडेट्स सारी की सारी आप तक प्रोवाइड करता रहूँगा। आपने अपनी जो तैयारी है उसको फिलहाल जारी रखना है, एग्जाम 2022 के वाले से आपने फुली प्रिपेयर करना है अपने सिलेबस को, फिर जो भी अपडेट्स आएगी वो आप तमाम स्टूडेंट्स से शेयर की जाएगी। अल्लाह ताला तमाम व्यूअर्स को इंशाअल्लाह कामयाब करे, खुश रहे, आबाद रहे, दो में जरूर याद रखिएगा।